भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने बेटे अगस्त्य को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया। वीडियो में दिखाई देता है कि अगस्त्य अपने पिता के हर एक्शन की नकल करते हुए दिख रहे हैं। हार्दिक ने उन्हें अपना पार्टनर इन क्राइम भी बताया। भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा की है। यह आयोजन 2026 में होने वाले T20 विश्व कप से पहले होगा। भारत ने श्रीलंका को दूसरे मैच में 7 विकेट से हराया। पहले दोनों मैच जीतकर भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली है। उत्कृष्ट गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी के बाद भारत की उम्मीद है कि वह तीसरे मैच में भी विजयी होगी। भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर T20 सीरीज जीत ली है। यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। भारत ने T20 सीरीज में 2 मैच जीतकर श्रीलंका पर दबदबा बनाया है। भारत को अब तीसरे मैच में स्वीप करने की उम्मीद है। पिछले 2 मैच में भारत की दमदार क्रिकेट क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। इसके बावजूद श्रीलंका को तीसरे मैच में जीत के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ जीतकर T20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। बारिश के बावजूद टीम इंडिया ने दूसरे मैच को 7 विकेट से जीता। अब तीसरे और आखिरी मैच में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करने का इरादा किया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि उन्होंने टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की बातें सुनी हैं। वे बताएं कि खिलाड़ी चाहते हैं कि वह पोडियम पर खड़े हो और खेलों का महाकुंभ का हिस्सा बने। आयरलैंड ने टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया। टेक्टर को फैसले के बाद मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है। यह आयरलैंड की दूसरी जीत है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड में 76 रनों की पारी खेली है। इस मैच में उन्होंने 58 गेंदों पर 12 चौके और 1 छक्के मारे। यह उनका दूसरा अर्धशतक है। पृथ्वी ने अपने टेस्ट डेब्यू में भी शतक ठोका था। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली श्रीलंका पहुंच गए हैं। यहां पर वनडे सीरीज का पहला मैच 2 अगस्त को खेला जाएगा। इस सीरीज में वनडे टीम के कुछ खिलाड़ी भी T20 टीम के साथ हैं और इसलिए वनडे सीरीज के बाद इन्हें जोड़ा जाएगा।